आगे जानकारी लेंगे। लेकिन देखिए, पाकिस्तान से आई सीमा ने सचिन मीणा के साथ हिंदू परंपरा के मुताबिक शादी कर ली है, और जिसे पाकिस्तान से लेकर जिससे की वजह से हिंदुस्तान तक गलत और नाजायज बताया जा रहा है। भारत में इस्लामिक धर्म गुरुओं का यह कहना है कि सचिन मीणा के साथ सीमा की शादी इस्लाम के मुताबिक जायज नहीं है, क्योंकि सीमा का उसके पति गुलाम से अभी तक तलाक नहीं हुआ है, जबकि सीमा बार बार ये कह रही है कि गुलाम से उसका जबानी तलाक हो चुका है। पूरी रिपोर्ट देखिए और पूरा माजरा समझिए। पाकिस्तान के कराची में रहने वाली सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा के दिल मिले तो हजारों मील की दूरियां मिट गई। एक लड़की होते हुए भी सीमा हैदर ने वो कदम उठा लिया जिसके लिए किसी लड़के को 100 बार सोचना पड़े। सीमा हैदर कराची से हजारों मील की दूरी तय कर सचिन के घर ग्रेटर नोएडा आ पहुंची। इसके लिए सीमा ने अपने मुल्क पाकिस्तान समेत 3 मुल्कों की सीमाएं लांघी। सीमा सबसे पहले फ्लाइट से 1180 किलोमीटर की दूरी तय कर कराची से दुबई पहुंची। उसके बाद वो दुबई से फ्लाइट के जरिए 2992 किलोमीटर की दूरी तय कर नेपाल पहुंची, और फिर बस के जरिए 1000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर हिंदुस्तान में अपने प्यार की पनाह में पहुंच गई। इस पूरे सफर में सीमा ने अपने 4 बच्चों के साथ 5222 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की। इतनी दूरी तो शायद मजनू ने लैला के लिए भी तय नहीं की थी, जितनी की सीमा ने सचिन के लिए की। अब सवाल है कि गलत और सही को दरकिनार कर, जमाने की परवाह छोड़कर और पाकिस्तान से अपने सारे नाते तोड़कर सीमा हैदर जिस सचिन के प्यार में हिंदुस्तान आ गई, अब उसके रिश्ते को कितना सही माना जा रहा है? क्या एक शौहर के होते हुए सीमा हैदर की दूसरी शादी जायज है? क्या बिना तलाक लिए सीमा हैदर की दूसरी शादी कानूनन सही है? क्या इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने वाली सीमा हैदर के ऊपर अभी भी तलाक का शरिया कानून लागू होगा? और क्या पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आ चुकी सीमा हैदर पर पाकिस्तान में हुई शादी का कानून लागू होगा? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक सीमा और सचिन की शादी पर उंगलियां उठ रही हैं। खुद हिंदुस्तान में इस्लामिक धर्म गुरु से लेकर मौलवी और मौलाना तक सभी सीमा और सचिन की शादी को नाजायज ठहरा रहे हैं। इसको किसी भी तरीके से जायज नहीं करार दिया जाएगा। तलाक में जो पहलू रखा गया है वो 2 एविडेंस है, 2 गवाह होना चाहिए। अगर 2 गवाह नहीं है तो तलाक सही नहीं है। लिहाजा अगर कोई तलाक हुआ है उसका और उसको वो प्रूफ करती है, जैसा कि पता चला कि तलाक को प्रूफ भी नहीं कर पा रही है, तो मैं समझता हूं कि ये उसकी शादी भी गलत है। सीमा हैदर का दावा है कि उसके शौहर गुलाम हैदर उसे तलाक दे चुके हैं, जबकि गुलाम हैदर तलाक की बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि सीमा हैदर अभी भी कानूनन उनकी पत्नी है, क्योंकि उन्होंने उसे अभी तक तलाक नहीं दिया है। दोनों के अपने अपने दावे हैं, जिसमें कौन सच्चा है और कौन झूठा कह पाना मुश्किल है। अगर मैं इनकी शादी में भी हूँ, फिर भी मेरा अधिकार है, मैं कह सकती हूँ कि मैं इनके साथ नहीं रह सकती, तो नहीं रह सकती। जबरदस्ती कोई भी नहीं रखे। तुम तो तलाक दे चुके हो मुझे, और मैं हिंदू धर्म में आ गई हूँ, तो हमारा रिश्ता कब का खत्म हो चुका है? नहीं सर, तलाक हो नहीं चुका, ना मैंने कभी तलाक दी है सर। ये झूठ बोल रहा है सर। मौलाना सैफ अब्बास के मुताबिक सीमा जब तक अपने शौहर गुलाम हैदर से तलाक लेने के सबूत पेश नहीं करती, तब तक सचिन से उसकी शादी नाजायज मानी जाएगी। हालांकि सीमा हैदर अपने शौहर गुलाम हैदर से अलग होने के जिन कारणों को गिना रही है, मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना सैफ अब्बास के मुताबिक सीमा को इन आधार पर गुलाम से तलाक लेने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, ऐसा है कि उसने 1-2 बातें कही हैं, यही कि हमारा ख्याल नहीं रखती हैं। वो चूंकि इस्लाम धर्म को फॉलो कर रही थी, इस्लाम में लड़की उस वक्त तलाक दे सकती है जब उसका शौहर इस्लाम की विरोधी गतिविधियों में शरीक हो, मसलन वो जुआरी हो, शराबी हो, मारता पीटता हो, भूखा रखता हो, अजियत देता हो।
लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, उसने कहा कि हमें नहीं देती। अब आपका ख्याल रखने के लिए क्या चीजें चाहिए, आपको रोज ब्यूटी पार्लर जाने की फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाए, आपको रोज बारबेक्यू ले जाने की, तो मैं ये समझता हूं कि इस तरीके से इस्लाम में तलाक नहीं होता है। तलाक उस वक्त इस्लाम में लड़की ले सकती है कि जब वो अपने धर्म के विपरीत काम कर रहा हो, तब उस वक्त तलाक हो सकता है और लड़की भी तलाक ले सकती है, उसके पास पावर है इतनी। अब सवाल है कि जब सीमा ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है और हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक सचिन के साथ 7 फेरों के बंधन में बंध गई है, तब भी क्या सीमा हैदर पर शरिया कानून लागू होगा? ये ऐसा सवाल है जिसका साफ साफ जवाब देने से मुस्लिम धर्म गुरु बचते नजर आ रहे हैं। और इस बीच सीमा हैदर के दावों पर सवाल खड़े करने वाला एक दस्तावेज भी सामने आया है। ये दस्तावेज सीमा और गुलाम हैदर के निकाह से जुड़ा हुआ है। इसमें सीमा और गुलाम के निकाह के बारे में तफसील से जिक्र किया गया है। इस दस्तावेज के सामने आने के बाद सीमा हैदर के उन दावों पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं जिसमें उन्होंने गुलाम से उनकी मर्जी के खिलाफ शादी करने की बात कही है। क्योंकि पाकिस्तान की कोर्ट में पेश किए गए वो दस्तावेज ये कह रहे हैं कि सीमा ने गुलाम हैदर से लव मैरिज की थी। दिमाग नहीं, जिगर का छल्ला है तू मेरी जान। हमारी शादी कागजी हुई थी, मुझे नहीं पता कि क्या लिखा गया। दूसरी बात कोरट की जो बात आ रही है, मैंने जिंदगी में पाकिस्तान का कोई कोरट देखा ही नहीं, पूरी जिंदगी में पाकिस्तान का कोई कोरट देखा ही नहीं। और शादी मेरी मर्जी के खिलाफ थी। अगर मैं पाकिस्तान आई भी, तुम लोग मार दोगे मार दो, पर तुम्हारी तो कभी भी नहीं बनती, ये तुम भी याद रखो, क्योंकि मैं इनकी पत्नी हूँ और इनकी होगी मरूंगी। मैं इनकी शादी में भी हूँ, फिर भी मेरा अधिकार है, मैं कह सकती हूँ मैं इनके साथ नहीं रह सकती। सीमा की कहानी में कितना बहाना कितना फसाना। मैं बच्ची तो नहीं हूँ, इनकी बेटी तो मैं नहीं हूँ ना, क्या बस मैं इन पे मुझ पर हक बनता है और मुझे अपने पास ले जाएंगे। अगर मैं इनकी शादी में भी हूँ, फिर भी मेरा अधिकार है, मैं कह सकती हूँ कि मैं इनके साथ नहीं रह सकती, तो नहीं रह सकती। सरहद पार वाले प्यार में नया ट्विस्ट। सरहद पार पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की कहानी में कितना सच है और कितना झूठ, इस पर पाकिस्तान के अंदर से भी दावे हो रहे हैं और हिंदुस्तान के अंदर से भी। लेकिन इन दावों के बीच प्यार में मर मिटने वाली इस कहानी में नया ट्विस्ट आया है। 9 साल पुराने एक हलफनामे से पाकिस्तान की कोर्ट में दाखिल इस हलफनामे को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये हलफनामा यानी एफिडेविट खुद सीमा हैदर ने दिया था आज से करीब 9 साल पहले। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस हलफनामे में क्या है। सीमा के दावे वाले इस हलफनामे के मुताबिक उस समय सीमा के पिता उसकी जबरन किसी से शादी कराना चाहते थे और सीमा ने गुलाम हैदर से शादी के लिए अपना घर छोड़ा था। सीमा ने अपनी मर्जी से गुलाम हैदर से शादी की थी, इसके लिए उस पर कोई डर या दबाव नहीं था। यही नहीं, सीमा ने अपनी मर्जी से अपने पिता का घर छोड़ा था। शादी के समय सीमा ने अपनी उम्र 19-20 साल बताई थी। शादी के वक्त सीमा ने खुद को बालिग बताया था। सीमा के नाम के दावे वाला पाकिस्तान की कोर्ट का ये हलफनामा अगर सही है तो फिर सवाल सीमा के उन दावों पर है जिस दावे में सीमा ने न्यूज़18 इंडिया से खास बातचीत में शादी के वक्त अपनी उम्र 17 से 18 साल बताई थी। तो मेरी जिंदगी का मैं बच्ची नहीं रही, शायद जब हैदर से शादी हुई तब मैं बच्ची थी, 17 से 18 साल की थी। अब मैं बच्ची नहीं हूँ, अब मैं 27 साल की हूँ, अब सब भरा भला बुरा समझ सकती हूँ। अरे बस सचिन को छोड़ने की तो ऐसा कभी होगा नहीं। हैदर मेरे रिस्पेक्ट करते, मुझे इज्जत देते, मेरे बच्चों को इज्जत देते, या मुझे हर बात पे शक करना, लड़ाई करना, गाली गलौज करना नहीं करते, तो शायद मैं इनके बारे में सोचती और शायद मैं यहाँ तक नहीं आती। मेरे पापा मर जाने के बाद कोई भी ऐसा रिश्ता वहाँ नहीं था जिसके बारे में मैं सोचती।
सीमा के दावे वाला जो हलफनामा सामने आया है, उस हलफनामे में साफ साफ कहा गया है कि सीमा ने अपनी मर्जी से गुलाम हैदर से शादी के लिए अपने पिता का घर छोड़ा था। मतलब ये कि आज से 9 साल पहले सीमा उस गुलाम हैदर की मोहब्बत में अपना घर छोड़ चुकी थी, जिस गुलाम हैदर की अब वो शक्ल भी नहीं देखना चाहती। लेकिन न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीमा ने क्या कहा, अब जरा वो सुनिए। सर, मेरे पास कुछ भी ना था पाकिस्तान में, ये इनको भी पता है कि मेरे पापा ही मेरी जिंदगी थे और मेरे पापा ही मेरे सब कुछ थे। गलौज करने वाला यही शख्स था। मरेंगे तो तुम कैसे रोगे? मतलब बहुत गलत तरीके से इन्होंने मेरे साथ लैंग्वेज में बात करी, बहुत लड़ाइयां करी इन्होंने मेरे साथ। मेरा भैया बच्चा है और वो अपनी ज़िंदगी में खुश थे, मेरे भैया अपनी ज़िंदगी में खुश, मेरी छोटी बहन वो छोटी है, बड़ी ने शादी करके वो अपनी ज़िंदगी में खुश। मुझे कोई पूछने वाला नहीं था सर, मैं अकेली रहती थी, यही कारण है मैं यहाँ पर आ गई अपने बच्चों के साथ। सरहद पार वाले प्यार की इस कहानी में सीमा और सचिन दोनों एक दूजे के होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सचिन के साथ सीमा की शादी पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सीमा के पहले पति का दावा है कि सीमा आज भी कानूनी तौर पर उनकी पत्नी है। गुलाम हैदर का दावा है कि सीमा ने अब तक उनसे तलाक नहीं लिया है। मैं इनकी शादी में भी हूँ, फिर भी मेरा अधिकार है, मैं कह सकती हूँ कि मैं इनके साथ नहीं रह सकती, तो नहीं रह सकती। तुम तो तलाक दे चुके हो मुझे और मैं हिंदू धर्म में आ गई हूँ, तो हमारा रिश्ता कब का खत्म हो चुका है। ये जाने से पहले ये 2.5 माह 10 मई पे गया, इससे 20 दिन पहले 3 लाख रुपया मैंने सेंड किया था इसको कि तुम सऊदी अरब पे बोलते बकरा ईद गुजर जाएगी, मैं आऊंगा उम्रे की शहादत करेंगे, फिर कट्ठे जाएंगे घर, बस अभी घर भी लिया है, सब कुछ ओके है, जो है ना बच्चों का रोजगार अभी पाकिस्तान में करेंगे। मैंने बोला ठीक है। ये अचानक से 10 मई पे ये गायब हो गया कि हमें पता चला बाद में कि भारत चले गई सर। तलाक हो नहीं चुका ना, मैंने कभी तलाक दी है सर, ये झूठ बोल रहा है सर। सरहद पार वाली इस शादी और प्यार तकरार वाली इस कहानी में अभी कई सच सामने आने बाकी हैं, क्योंकि दोनों के रिश्तों के सच को लेकर सीमा और गुलाम दोनों के अपने अपने दावे हैं।